हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आप सबका वेलकम है सफीना इजी ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा मिरर की डिज़ाइन और झूमर की और बेडशीट की। तो आज मैं आप सबके साथ बेडशीट की डिज़ाइन शेयर करूँगी, जो कि मैंने अपने हाथों से बना के ये सब चीज़ें तैयार किया है। तो उम्मीद है मुझे आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस तरीके से आइडियाज़ मिले और इस तरीके से बेडशीट बना सके। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप लोग को दिखाऊंगी बेडशीट जो मैंने अपने हाथों से बना के इसको तैयार किया है और मैंने किस तरीके से इसको बनाया और इसका डिज़ाइन मैंने किस तरीके से बनाया। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा लुक है, देख सकते हैं। और मैंने अपने आइडिया से ये बेडशीट को तैयार किया मैंने, और इसको जो मैंने बनाया एकदम जो हमारी कुशन है, तकिया है, उसकी मेज़रमेंट से ही मैंने इसको बनाया। मेज़रमेंट करके एकदम परफेक्ट तरीके से ये बन के तैयार हुआ है। और ये जो मैंने डिज़ाइन तैयार किया, ये भी कॉटन की कपड़े से तैयार किया। ये पूरा प्योर कॉटन है, बेडशीट भी और कुशन कवर भी। तो इसको मैंने एकदम पूरा जिस तरह से रेडीमेड रहता है तैयार रेडीमेड कुशन कवर, उसी तरह से मैंने बनाया। तो ये एकदम तकिया की मेज़रमेंट के बराबर मैंने इसको बनाया। तो ये मतलब लूज नहीं रखा मैंने, रेडीमेड तो लूज रहता है, तो ये मैंने लूज नहीं रखा। इसको मैंने एकदम परफेक्ट तरीके से बनाया, एकदम प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट करके। तो इसको फिर हमें डालने में प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मैंने पीछे से इसका चैन भी लगा दिया ताकि ये डालते वक्त आसानी से ये चला जाए। और जब फिर ये कुशन हम कवर हम जब डाल देंगे तो ये एकदम परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट तरीके से ये शेट हो जाए इसमें। ठीक है, देख सकते हैं बिल्कुल ये लूज नहीं है और बिल्कुल ये थोड़ा बड़ा छोटा भी नहीं है। देख सकते हैं एकदम इसका मेज़रमेंट जो है एकदम बराबर हो गया है तकिए में। और इसका डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं आप। इसको मैंने ट्रायंगल शेप में डिज़ाइन बनाया और इसमें मैंने दो तीन कलर इस्तेमाल किया है, ऑरेंज और ब्लू कलर की धागा इस्तेमाल किया है, ग्रीन कलर कपड़ा इस्तेमाल किया है, ऑरेंज कलर और येलो कलर। तो तीन चार कलर डाल के मैंने इसको तैयार किया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं आप। और ये तो कैमरे में आप लोग को कैसा दिख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये नज़दीक से बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही एकदम सफाई से और बहुत ही बारीकी से ये डिज़ाइन तैयार हुआ है। तो पास में से बहुत अच्छा लग रहा है ये। और जब आप बेडशीट को आप लगा देंगे तो इतनी खूबसूरत लगता है, इतनी खूबसूरत। और पूरा कॉटन है तो इसमें कोई मतलब इशू नहीं है, ताकि ये गर्मी लगेगा कि ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। कपड़ा भी मतलब जो है एकदम पक्के कपड़े लगाए हैं मैंने, पक्का वाला कपड़ा लगा के इसको मैंने ये किया है, बनाया है। और इसका कलर भी बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ये कपड़ा जो है मैंने जहाँ से ख़रीदा तो ये थोड़ा कपड़ा महंगा मिला है, 150 रुपये मीटर मिला है ये कपड़ा। लेकिन प्योर एकदम इसका जो कलर है, प्योर कलर है, ये निकलेगा नहीं बिल्कुल। इसका कलर जो है आप जितनी भी धुलाई करें लेकिन नहीं निकलेगा। एक धुलाई में थोड़ा सा हल्का जाएगा, उसके बाद ये मेरा दो तीन धुलाई हो चुका है ये बेडशीट मेरा, तो बिल्कुल इसका कलर जो है नहीं गया है। तो ये बेडशीट की कपड़ा जो है मुझे ये काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतलब है महंगा है, लेकिन कपड़ा का मीटर जो है महंगा है, लेकिन ये मतलब कलर जो है बहुत ही अच्छे कलर मिल गया है। कोई भी कलर का कलर नहीं निकला है, नहीं गया है। अगर इसका कलर निकलता, जैसे कि ग्रीन कपड़ा हो गया, वैसे कॉटन के कपड़ा, तो आप सबको पता ही है कि इसका कलर निकल जाता है। तो इसमें मैंने सारे कपड़े जो जितने भी यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया सब कॉटन के कपड़े हैं। तो अगर इसका कलर निकलता तो एक दूसरे पे कलर लग जाता है, जैसे कि ग्रीन कलर है ऑरेंज में वो धब्बा लग जाता, जैसे कि येलो कलर ग्रीन कलर ऑरेंज कलर है वो येलो पे लग जाता दाग। लेकिन इस तरीके से ये नहीं हुआ, क्योंकि ये एकदम पूरा पक्का कलर है, ये कलर बिल्कुल नहीं निकला। और ये बेडशीट मैंने बनाया भी मेहनत से, तो ये मेरा मेहनत जो है पूरा सफल हो गया इसमें, क्योंकि इतनी खूबसूरत लग रहा था, इतनी खूबसूरत। थोड़ा सा मेहनत लगा इसमें बनाने में, और इसको मैंने पूरा एकदम पहले मैंने इसको हाथ से स्टिच किया, उसके बाद फिर मैंने इसको मशीन से पक्की वाली स्टिच किया है, जो कि ये कब भी ख़राब नहीं होगा और कब भी इसका धागा नहीं टूटेगा। धागा भी मैंने पक्का वाला लगाया है, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बिछा कर भी दिखा दी हूँ कितनी खूबसूरत लग रहा है। और हर चीज़ का आप बेडशीट का डिज़ाइन देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने ब्लू कलर के धागा से इसको मैंने डिज़ाइन बनाया इस तरीके से, ट्राइंगल साइड में देख सकते हैं आप, बर्फी टाइप में इस तरीके से, इसका स्क्वायर साइज में, एक
साइड में देखेंगे तो स्क्वायर साइज दिखेगा, दूसरी साइड में देखेंगे तो ये बर्फी टाइप में दिखेगा। ये धागा वाला जो डिज़ाइन है देख सकते हैं आप, और ये जो धागा है मोटा धागा मैंने इस्तेमाल किया बाइबिंग में, तभी ये जो डिज़ाइन है इस तरीके से बना है। जो सिलाई करते हैं उन लोग को पता है, तो जो नहीं करते उनको नहीं मालूम। तो आप भी इसी तरह से बेडशीट को देख के आप भी किसी से बनवा सकते हैं, टेलर से, या फिर आपको अगर स्टिचिंग करना आता है तो आप भी इस तरीके से बेडशीट बना सकते हैं। जैसे कि हमेशा अगर नहीं भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जैसे कोई मेहमान आ गए घर में, कुछ फंक्शन है, शादी है और कुछ भी है, तो उस टाइम में आप इस बेडशीट को निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी लड़कियों की शादी होती है, तो लड़कियों की शादी में तो बहुत जगह पे दहेज भी दिया जाता है इस तरीके से हाथों से बेडशीट बना के। तो आप इस तरीके से आइडियाज़ लेके आप बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये बेडशीट, और मैंने और भी बेडशीट बनाया है, तो मैंने आप लोग के साथ ये एक शेयर किया, और कुछ दिन पहले एक और मैंने बेडशीट शेयर किया था आप लोग के साथ, ठीक है। तो वो भी अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं मेरी, तो वो भी वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये झूमर, ये भी मैंने अपने हाथों से बनाया, और इसको भी मैंने किस तरीके से बनाया आप लोग को मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ सामान ऐसे भी इस्तेमाल किया है जो कि फेंकने वाली चीज़ था, और मैंने उसको फेंका नहीं है, मैंने आइडियाज लगा के मैंने इस तरीके से एक झूमर तैयार कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया है मैं आप लोग को बताऊँगी। ऊपर जो मैंने दो रिंग्स इस्तेमाल किया है, ये रिंग्स नहीं है, ये बड़े हाथ की कंगन है, चूड़ी है। और जो छोटा वाला है जो मतलब लटका सकते हैं हम, वो छोटी बच्चे के हाथ की चूड़ी है। और इस तरीके से मैंने इसको बनाया है, और ये सब तो आप देख ही सकते हैं, ये मोती है, मोती को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन लेके बनाया है। और दो कलर की यहाँ पर मैंने दो तीन कलर के मोती इस्तेमाल किया है, वाइट और पिंक और क्या बोलते हैं गोल्डन कलर इस्तेमाल किया है। और ये जो बड़ा वाला जो ये रिंग दिख रहा है, ये कोई रिंग नहीं है, ये कोई ख़रीद के नहीं मिला है मुझे, ये अपना जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के नीचे जो एक टोली रहता है, टोली रखते हैं हमारी तरफ मिलता है, तो ये स्टील का टोली था मेरा, और उसका जो पहिया है वो टूट चुका था, तो मैंने सोचा कि इसका कुछ डियर बॉय बना देते हैं। तो मुझे फेंकने का मन दिन नहीं किया, और मैंने सोचा कि इसको आइडिया लगा के मैंने सोचा कि एक झूमर इसको अब हम बना सकते हैं मोती से, अगर इस तरीके से बनाएंगे तो। इस तरीके से मैंने इसको डियर भाई घर के जो सामान होते हैं उसको मैंने मिला के इसको मैंने तैयार किया है। तो कैसा लग रहा है मेरा ये झूमर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसमें काफ़ी सारा मोती लगा है, दो तीन कलर के मैंने इसमें मोती इस्तेमाल किया है। और जो मैंने स्टेन यहाँ पर इस्तेमाल किया उसको मैंने रेड कलर के कपड़े से मैंने पहले इसको स्टिच कर दिया अच्छी तरह से, उसको मैंने ये कर दिया, तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि वो मतलब फेंकने की चीज़ था और वो घर की कोई चीज़ है, ऐसा लग रहा है कि वो बाज़ार से रिंग्स खरीद के लाया है। उसके बाद जो है ये वाला जो मैंने बनाया है, ये सिर्फ बाहर की चीज़ है, इसमें घर की चीज़ नहीं लगा है। बाहर की ये प्लेट है, ये 20 रुपये करके ये प्लेट आता है, और बाकी जो पाइप है ये 30 रुपीज़ करके ये इसका पाइप का पैकेट मिलता है। और जो ये मोती है, मोती और जो लटकन है, ये भी लटकन का जो मोती है ये भी मिलता है 30 रुपीज़ का करके पैकेट, और एक पैकेट में 15-20 पीस रहता है। तो इसी तरह से मैंने इसको भी लगा के मैंने अपने आइडियाज से इसको भी मैंने बनाया है, दो प्लेट लगा के बनाया है। तो ये भी कैसा लग रहा है मेरा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पिंक और वाइट मिला के पाइप जो है वो वाइट है, और पाइप को मैंने बड़े छोटे साइज करके काटा है, क्योंकि ये एक साइज की पाइप रहता है, बड़ा रहता है, तो आप जैसा डिज़ाइन बनाएंगे उस तरीके से पाइप को काटना पड़ता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर फिर से मैंने एक बनाया है, ये भी इसमें एक ही प्लेट लगा के मैंने बनाया है, इसमें भी कुछ मतलब घर के सामान मैंने लगाया, जैसे कि ये है, ये रेडीमेड प्लेट है, और इसको मैंने बहुत दूर दूर इसका जो होल रहता है, छेद रहता है, बहुत दूर दूर रहता है, तो जब हम ये डिज़ाइन बनाते हैं ना तो बहुत ये दिखता है, तो वो प्लेट को मैंने और भी बारीक करके मैंने होल किया है। और ये जो ऊपर वाला दिख रहे हैं, ये जो छोटे बच्चे की जो खिलौना का प्लेट होता है उसको मैंने इस तरीके से मतलब ऊपर भी एक माला चढ़ा के मैंने इसको इस तरीके से बना दिया, ताकि ये देखने में और भी खूबसूरत लगे। और ये इसको मैंने इस तरीके से बनाया है, देख सकते हैं 4-5 थक्की जो बोलते हैं, ज़्यादा ही लगा के मैंने बनाया है। पाइप को मैंने छोटे बड़े साइज करके मैंने इसको काटा है, और इसका जो मोती है अलग अलग तरीके से मैंने लगाया है, अलग अलग कलर का लगाया है लटकन का नीचे का जो मोती है। और यहाँ पर जो है मिरर, ये मैंने बनाया है किस तरीके से, तो इसमें काफ़ी सारा घर के डियर बाई चीज़ है, और कुछ बाहर के खरीद करा हुआ है। तो इसका जो ये जो मिरर है वो बाहर से मैंने खरीद के लाई थी,
और ये जो है धागा ये तो बाहर का ही मिलता ही है, आप लोग को पता ही है। और छोटे छोटे मिरर जो है वो भी मैंने बाहर से लाई थी। और ये ऊपर का जो लटकाने वाला दिख रहा है वो कंगन है हाथ की। और मिरर को मैंने किस पर बैठा के बनाया है तो मैं आपको बताती हूँ। ये जो है मिरर को जो मैंने बैठाया है वो पुट्ठा था, जो हम केक वगैरह बनाते हैं जैसा कि केक के नीचे रहता है, जैसा घर मार्केट से केक आता है तो उसके नीचे इस तरीके से सर्कल सा पुट्ठा रहता है, तो ये वही मतलब कार्डबोर्ड था और उसी के ऊपर मैंने इसको डेकोरेट करके बनाया है। सामने की तरफ मैंने पहले मिरर को बैठाया, उसके बाद है जो साइड से किनारे में मैंने लेस लगाया, और लेस के बाद जो येलो और ब्लू ऑरेंज का जो धागा दिख रहा है वैसा पहले मैंने इसका मेजरमेंट करके उसका रिंग्स बनाया कार्डबोर्ड का काट के, और फिर उसके बाद उसको मैंने धागा लपेटा हुआ है अलग अलग कलर के, ऑरेंज और येलो ब्लू और ग्रीन, तीन चार कलर के मैंने उसको धागा लपेटा के, और फिर बीच में मैंने उसके मिरर बैठा दिए, फिर लेस लगा दिया, और फिर चारों तरफ से मैंने छोटी छोटी जो मिरर होता है उसको मैंने चिपका दिया गम से, और फिर उसके बाद ऊपर से मैंने धागे का येलो कलर का फ्लावर्स बनाया ब्लू कलर की, और बना के फिर मैंने उसको भी मैंने गम से चिपका दिया, तो कितना खूबसूरत लग रहा है चारों तरफ से। और फिर नीचे की साइड में जो मैंने बनाया है कुछ इस तरीके से, तो ये भी मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स बनाया, और फिर ग्रीन कलर की मैंने लटकन जैसा ये बनाया, फिर उसमें छोटे छोटे मिरर भी चिपकाया मैंने, और मोती भी लगा के मैंने इसको इस तरीके से बनाया। तो मेरी आज की वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरा मतलब कौन सी चीज़ आपको पसंद आया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।